हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है, रावल जेतर सिंह ने 1227 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को किस युद्ध में पराजित किया था? आपके ऑप्शन ए बाड़ी का युद्ध, बी बुताला का युद्ध, सी तुंगा का युद्ध, डी जेतारन का युद्ध। तो इसका सही आंसर है बी बुताला का युद्ध। अगला सवाल है, निम्न में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था? आपके ऑप्शन ए स्वयं प्रताप सिंह, बी राम मालदेव, सी स्वयं जय सिंह, डी महाराणा राज सिंह। तो इसका सही आंसर है सी स्वयं जय सिंह। अगला सवाल है, विश्व वल्लभ ग्रंथ की रचना करने वाले पंडित चक्रपाणि मिश्र किस शासक के दरबारी थे? आपके ऑप्शन ए महाराणा राज सिंह, बी महाराणा उदय सिंह, सी महाराणा कुंभा, डी महाराणा प्रताप। तो इसका सही आंसर है डी महाराणा प्रताप। अगला सवाल है, बिसलपुर की स्थापना 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने की थी? आपके ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय, बी सोमेश्वर, सी विग्रहराज चतुर्थ, डी हमीर देव। तो इसका सही आंसर है सी विग्रहराज चतुर्थ। अगला सवाल है, मध्यकाल में अस्तित्व में रही सामंत व्यवस्था मूल रूप से क्या थी? आपके ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था, बी धार्मिक व्यवस्था, सी प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था, डी एक सांस्कृतिक संस्था। तो इसका सही आंसर है सी प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था। अगला सवाल है, मध्यकालीन राजस्थान में बापीदार कौन होते थे? आपके ऑप्शन ए गांव का मुखिया, बी सैनिक अधिकारी, सी खुद काश्तकार, डी मंदिर का पुजारी। तो इसका सही आंसर है सी खुद काश्तकार। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? नंबर एक, रामचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। नंबर दो, जोधपुर की स्थापना चंद्रसेन ने की थी। नंबर तीन, राम मालदेव को हसमत वाला शासक कहा जाता है। नंबर चार, जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन ए एक और दो, बी एक तीन और चार, सी एक दो और तीन, डी एक दो तीन और चार। तो इसका सही आंसर है बी एक तीन और चार। तो इस सवाल में नंबर एक, तीन और चार तीनों सही है, जबकि जोधपुर की स्थापना रावजोधा ने की थी। अगला सवाल है, निम्न मेवाड़ शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? आपके ऑप्शन ए जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह, बी तेज सिंह, जेतर सिंह और समर सिंह, सी समर सिंह, जेतर सिंह और तेज सिंह, डी जेतर सिंह, समर सिंह और तेज सिंह। तो इसका सही आंसर है ए जेतर सिंह, उसका बेटा तेज सिंह और उसका बेटा समर सिंह। अगला सवाल है, अजमेर शहर की स्थापना करने वाला शासक किस वंश से संबंधित था? आपके ऑप्शन ए चालुक्य, बी परमार, सी चौहान, डी राठौड़। तो इसका सही आंसर है सी चौहान। अजमेर शहर की स्थापना अजयपाल चौहान ने की थी। अगला सवाल है, मेवाड़ की बोधि के कलात्मक उन्नति का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? आपके ऑप्शन ए महाराणा राज सिंह, बी महाराणा करण सिंह, सी महाराणा अमर सिंह, डी महाराणा कुंभा। तो इसका सही आंसर है डी महाराणा कुंभा। अगला सवाल है, स्वर्हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां हैं? आपके ऑप्शन ए 890, बी 1057, सी 953, डी 721। तो इस सवाल का सही आंसर है सी 953। अगला सवाल है, निम्न में से किस शासक ने जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था? आपके ऑप्शन ए महाराजा जोरावर सिंह, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी महाराजा सरदार सिंह, डी महाराजा उमेद सिंह। तो इसका सही आंसर है सी महाराजा सरदार सिंह। अगला सवाल है, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? आपके ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी सांझा, डी मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर है सी सांझा। अगला सवाल है, राजस्थान में इजलास खास की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन ए महाराजा राम सिंह, बी महाराणा सज्जन सिंह, सी स्वाई माधो सिंह, डी महाराजा अजय सिंह। तो इसका सही आंसर है बी महाराणा सज्जन सिंह। अगला सवाल है, जयपुर के किस शासक ने ब्रज नदी उपनाम से कविताओं की रचना की थी?
आपके ऑप्शन ए सवाई माधो सिंह, बी मिर्जा राजा जय सिंह, सी सवाई प्रताप सिंह, डी भगवंत दास। तो इसका सही आंसर है सी सवाई प्रताप सिंह। अगला सवाल है, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर किले पर आक्रमण के समय हमीर देव के किन सेना नायकों ने विश्वासघात किया था? आपके ऑप्शन ए रणमल व रतिपाल, बी जयमल व पत्ता, सी जेता व कूपा, डी भीमदेव व सोमदेव। तो इसका सही आंसर है ए रणमल व रतिपाल। अगला सवाल है, मध्यकालीन राजस्थान में जो जागीर जन्मजात होती थी उसे क्या कहते थे? आपके ऑप्शन ए शासन जागीर, बी हुकूमत जागीर, सी भौम की जागीर, डी सामंत जागीर। तो इसका सही आंसर है डी सामंत जागीर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से सिक्के जयपुर रियासत में नहीं चलाए गए थे? आपके ऑप्शन ए मोहम्मद शाही, बी हाली, सी डोडिया, डी झाड़साई। तो इसका सही आंसर है सी डोडिया। अगला सवाल है, राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन ए 1459, बी 1421, सी 1540, डी 1503। तो इसका सही आंसर है ए 1459। अगला सवाल है, निम्न में से किसने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी की सहायता की थी? आपके ऑप्शन ए राव लूणकरण और राव कल्याणमल, बी राव जेतसिंह और राणा उदय सिंह, सी बीरमदेव और रावल लूणकरण, डी बीरमदेव और राव कल्याणमल। तो इसका सही आंसर है डी बीरमदेव और राव कल्याणमल। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।